नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 30 मई बुधवार आपके राशि के महाराशिफल के बारे में कि 30 मई बुधवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, कौन सा कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ बात करेंगे इस दिन आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा, इस दिन भाग्य आपका कितना प्रतिशत साथ निभाएगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 30 मई 2023 दिन बुधवार, तिथि की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1:08 तक रहेगा। वहीं नक्षत्र की अगर बात करें तो इस दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रही है। आज का अभिजित मुहूर्त का समय 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय की बात करें तो 3:44 से 5:24 तक रहेगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत ना करें, नहीं तो कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, अगले इन 24 घंटे में आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है और यह मां लक्ष्मी का शुभ संकेत माना जाता है। किसी भी घर में मेहमान का आना यानी भगवान आपके घर आने का समान हुआ, इसलिए मेहमान को भगवान के समान माना गया है। इसके फलस्वरूप अगले 24 घंटे में नवीन कार्य प्रणाली संबंधित योजनाएं बनेगी और वह काफी सफल भी होंगी और दैनिक आय में कुछ इजाफा होगा। परंतु आपको धैर्य बनाए रखना होगा, कोई भी चीज में जल्दबाजी आपको नहीं दिखाना है। इस बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और ईश्वर हमारे भले के लिए ही करते हैं। अपनी तरफ से जानबूझकर कोई भी गलतियां नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने के बावजूद अगर वो गलतियां हो जाती है तो ईश्वर हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं, हमें उस चीज़ को लेकर टेंशन चिंता नहीं करनी है। इस दौरान अगले 24 घंटे में कोई भी महत्वपूर्ण शुभ समाचार आ सकता है। आपके पिछले कुछ समय से अपने कैरियर तथा निजी जीवन संबंधित किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी, जिससे आपके साथ साथ पूरा घर परिवार भी खुशी से सराबोर रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा खुशहाल नजर आएंगे। आपको प्रयासों और परिश्रम को अपने सीनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त समर्थन भी बन पाएंगे। इसके उपरांत आपके दुश्मन आज असहाय अनुभव करेंगे, लेकिन आपको उनसे फिर भी सावधान रहना होगा, क्योंकि वो अपनी जो निगाहें हैं आपके ऊपर बनाए हुए हैं। आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा, जो कि आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आज माहौल में ही रोमांच बिखरा हुआ है। आज बहुत सारे मनोरंजन और मजेदार आमदनियों के संपर्क में आएंगे और इनमें किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है। जिनका संबंध पहले से बहुत अच्छा है, वे अपने पुराने संबंध में ही अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूंक पाएंगे और आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से बहुत खींचा खींचा अनुभव सा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है टेंशन तनाव में है, लेकिन आज स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगी, उनकी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होंगी। इसके उपरांत आप स्वभाव के गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल भी अब मिलने का समय आ गया है। देखिए दोस्तों, पिछले समय में जो आप मेहनत किए थे उसका फल अब आपको मिलने वाला है। दिन के अंत में प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है, जो अपने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है। लेकिन आपको केवल जो है जिम्मेदारियों और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना है,
बल्कि अपने कार्यों को करने में सहायक की भावना विकसित करें, ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो और तन मन से कार्य करें। देखिए दोस्तों, अगर सच्चे हृदय से आप सच्चे तन मन से कार्य करेंगे, उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी और काम आपका सफल भी होगा। जितना भी काम करें, आप अपने सच्चे हृदय से करें और खुशी से करें, क्योंकि जो खुशी से करेंगे वही काम आपका सफल होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और नए संपर्क महत्वपूर्ण स्थापित निभा सकती हैं और आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफ़ी दबाव होगा। लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है, यह समझने की आवश्यकता है कि ज़्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए ऊंचे मानकों के कारण है। ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, इसलिए कामों में आपको हमेशा ईमानदारी से कार्य करना है, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पूरे मन से सुंदर और फिट दिखना चाहती हैं, हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप एक पार्टनर की सहायता ज़रूर लें। एक बार अपनी फाइट जो है डाइट की समीक्षा दोबारा कर लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जिससे दिखने में आपको एलर्जी हो जाए और सलाह का पालन कम हो। आपको वर्कआउट अधिक करना है। सुबह का जो है शेयर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमियों को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम सही समय है। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे कहीं दूर हो गया था, आपसे बहुत दूर चला गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार, पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्तों का संतुलन आधा आज आपके दिन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। आपका चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है, अपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो कि भाग्य ने आपके ऊपर फेंके थे। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आप को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की भी मुद्रा में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर काफ़ी खत्म हो गया है। अच्छा कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधि निवेश पैसे का भी निवेश करने के लिए यह एक अच्छा समय है। कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है आसमानी कलर और शुभ अंक है 7। भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 80%। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। दोस्तों, दिन आपका शुभ हो।